आज की इस करुणामाला विनती में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आइए आज की इस करुणामाला विनती के दौरान हम प्रभु को अपने दुख कष्ट बताएं, प्रभु के आगे हम अपनी मिन्नतें रखें, प्रभु को कहें, हे राजाओं के राजा, हे प्रभुओं के प्रभु, हे मेरी जिंदगी के शहंशाह, मैं आज आपको इस करुणामाला विनती के दौरान अपने दुख कष्ट बताना चाहता हूं प्रभु, जैसे आपने मेरे लिए दुख कष्ट उठा लिए प्रभु जी। प्रभु जी, मैं एक बार फिर से अपने उन दुखों को, उन कष्टों को आपको बताना चाहता हूं प्रभु जी, ताकि आपकी करुणा, आपकी कृपा प्रभु जी आज हम पर बरस जाए, ताकि पिता परमेश्वर हम अपनी जिंदगी में प्रभु जी, अपने जीवन में एक ही लक्ष्य को, एक ही लक्ष्य को देखें, जो कि प्रभु तू है। आइए सब जन केवल और केवल, केवल और केवल प्रभु के जख्मों पर मनन चिंतन करते हुए इस करुणामाला विनती में भाग लेंगे। आप कहीं भी हैं, आप कोई भी हैं, ये सत्य मानिए कि प्रभु दिलों और हृदयों को जांचने वाला प्रभु है। प्रभु आपको देखते हैं, आपको जांचते हैं, आपको परखते हैं। आइए पूरा ध्यान, पूरी दृष्टि प्रभु की ओर केंद्रित करते हुए इस करुणामाला विनती में भाग लेंगे। आराधना तेरी, आराधना आराधना यीशु, आराधना 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 अब्बा पिता तेरी, आराधना अब्बा पिता तेरी, आराधना यीशु मसीह तेरी, आराधना यीशु मसीह तेरी, आराधना आराधना तेरी, आराधना आराधना यीशु, आराधना आराधना तेरी, आराधना आराधना यीशु, आराधना प्रभु तेरी, आराधना प्रेमी प्रभु तेरी, आराधना आत्मा प्रभु तेरी, आराधना आत्मा प्रभु तेरी, आराधना आराधना तेरी, आराधना आराधना यीशु, आराधना आराधना तेरी, आराधना
आराधना आराधना तेरी आराधना आराधना यीशु आराधना क्रूसित प्रभु तेरी आराधना क्रूसित प्रभु तेरी आराधना जीवित प्रभु तेरी आराधना जीवित प्रभु तेरी आराधना आराधना तेरी आराधना आराधना यीशु 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 आराधना प्यारे भाई प्यारी बहन जितने भी लोग मेरे साथ इस वक्त करुणामाला प्रार्थना में जुड़ रहे हैं प्रभु आप सभी का स्वागत करता है। प्रभु का वचन हमें याद दिलाता है कि थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों तुम सब मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। दोपहर की इस पवित्र बेला में प्रभु के पांच घावों पर मनन चिंतन करते हुए हम उसकी दया और करुणा के लिए प्रार्थना करें, विशेष रूप से बीमारों के लिए प्रार्थना करें, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें, अपने बच्चों के लिए, नवयुवक युवतियों के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु इस वक्त हमारे परिवारों पर दया करें, इसलिए बड़ी भक्ति और सादगी के साथ हम इस करुणामाला प्रार्थना को दोहराएं और प्रभु की दया के लिए हम याचना करें। प्रेरितों का धर्मसार, हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुमारी मरियम से जन्मे, उन्होंने पोंतियुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे, वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, स्वर्ग शक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिनी ओर विराजमान है, वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो, हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसी वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। दया के लिए प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट का दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता तुझे चढ़ाते हैं
उनके दुर्भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। जो घुटना टेक सकते हैं टेकें, जो हाथों को उठा सकते हैं उठाएं, प्रभु से कहें कि हम पर और सारे संसार पर दया करें। प्रभु जहां कहीं भी आतंक फैला हुआ है, अत्याचार है, प्रभु उस जगह पर अधिकार ले और उन्हें क्षमा कर। उन लोगों को जो सताते हैं प्रभु उनको क्षमा कर। हे प्रभु हम तेरी दया की याचना करते हैं। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। तिसलेनिकियों का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 17 से 18। निरंतर प्रार्थना करते रहें और सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की यही इच्छा है। करुणा की इस प्रार्थना में प्रियजनों इस वक्त हम प्रभु के लहू से अपने परिवार को और अपने आप को संरक्षित करें, उसे रक्षा कवच की तरह अपने शरीर पर पहन लें, जिससे कि शैतान की धूर्तता का सामना करने के हम योग्य बन सकें। हम प्रभु के हथियारों को अपने साथ लिए रहें, मुक्ति का टोप, विश्वास की ढाल, आत्मा की तलवार, परमेश्वर का वचन, शांति, सुसमाचार और उत्साह के जूते, सत्य का कमरबंद कस के प्रभु के साथ चलना, उसके हथियारों को लेकर चलना, जिससे कि आप शैतान की धूर्तता का सामना कर सकें और उसके अग्निमय बाणों को बुझा सकें। इस विशेष कृपा के लिए प्रार्थना करना। हम अपने परिवार को समर्पित करें और प्रार्थना करें कि प्रभु हम पर और हमारे परिवार पर दया कर। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और हमारे परिवार पर दया कर। हम पर और हमारे परिवार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और हमारे परिवार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और हमारे परिवार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और हमारे परिवार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और हमारे परिवार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और हमारे परिवार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और हमारे परिवार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और हमारे परिवार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और हमारे परिवार पर दया कर।
दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और हमारे परिवार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और हमारे परिवार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और हमारे परिवार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और हमारे परिवार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और हमारे परिवार पर दया कर। प्रियजनों, प्रभु का वचन हमें बताता है कि प्रभु रोगी को रोगशैया पर सांत्वना देता है और रोगी का बिस्तर बदलता है। इस भेद में हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं, उसके घावों के द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। जितने भी लोग बीमार हैं, रोगशैया पर हैं, लकवे से पीड़ित हैं, अर्धांग रोगी हैं, चल फिर नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते हैं, उनकी जीभ के बंधन टूटें, हे प्रभु यीशु, इन तमाम लोगों पर दया करना जो अनेक प्रकार के कष्ट सह रहे हैं। शुगर की बीमारी, स्किन के इन्फेक्शंस, किडनियों की बीमारियां, लीवर की बीमारी, हे प्रभु यीशु, लाइलाज बीमारियों से तू अपने इन बच्चों को आज़ाद कर। हम इनके लिए करुणा की याचना करते हैं, आपका जवाब होगा, हमको और सभी रोगियों को चंगा कर। हमको और सभी रोगियों को चंगा कर। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरा परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हमको और सभी रोगियों को चंगा कर। हमको और सभी रोगियों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सभी रोगियों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सभी रोगियों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सभी रोगियों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सभी रोगियों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सभी रोगियों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सभी रोगियों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सभी रोगियों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सभी रोगियों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सभी रोगियों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सभी रोगियों को चंगा कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हमको और सभी रोगियों को चंगा कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हमको और सभी रोगियों को चंगा कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हमको और सभी रोगियों को चंगा कर। प्रियजनों, हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारे गुनाहों को माफ करें। इस दुनिया में घोर अंधकार है, पाप का, शोषण का, अत्याचार का बोलबाला है। प्रियजनों, शैतान दहाड़ते हुए शेर के समान विचरता फिरता है कि किसे फाड़ खाए। पवित्र वचन पेत्रुस का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 8 में हमें बताता है कि तुम्हारा शत्रु शैतान दहाड़ते हुए सिंह के समान विचरता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। परंतु आत्मा हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। वचन हमें बताता रोमियों के पत्र अध्याय 8 पद संख्या 26 में कि आत्मा हमारी अस्पष्ट आहों के द्वारा वो विनती करता है, प्रार्थना करता है। हम नहीं जानते कि किस तरह प्रार्थना करनी चाहिए, परंतु आत्मा हमारी ओर से प्रार्थना करता है। आप में से हर एक व्यक्ति अपने जीवन में बुराई से लड़ने के लिए सहायता मांगे,
पाप से बचने के लिए सहायता मांगे, शैतान की धूर्तता का सामना करने के लिए प्रभु से सामर्थ्य मांगना और गुनाहों की माफ़ी के लिए दया की याचना करना। हाथों को उठा सकते हैं तो उठाएं। हम विशेष रूप से प्रायश्चित के लिए इस वक्त प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हम पर और हम सभी लोगों पर दया करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का दिव्य शरीर और रक्त आत्मा और ईश्वरता तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुखों के नाम पर हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर, हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हे ईश्वर, तो परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हे ईश्वर, तो परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हे ईश्वर, तो परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। संत पौलुस प्यारे भाइयों और बहनों हमें याद दिलाता है कि हमें अपने अधिकारियों और नेताओं के लिए प्रार्थना करना चाहिए। इस वक्त हम धर्माधिकारियों के लिए, देश के शासकों प्रशासकों अधिकारियों के लिए हम प्रार्थना करें कि प्रभु की दया इन तमाम लोगों पर उतरे। प्रभु इन सभी लोगों को निस्वार्थ सेवा का वरदान प्रदान करें। दोनों हाथों को उठाते हुए आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का दिव्य शरीर और रक्त आत्मा और ईश्वरीयता तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सभी अधिकारियों पर दया कर, हम पर और सभी अधिकारियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी अधिकारियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी अधिकारियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी अधिकारियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी अधिकारियों पर दया। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी अधिकारियों पर दया। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी अधिकारियों पर दया। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी अधिकारियों पर दया। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी अधिकारियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी अधिकारियों पर दया। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी अधिकारियों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सभी अधिकारियों पर दया कर।
हे ईश्वर तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सभी अधिकारियों पर दया कर। हे ईश्वर तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सभी अधिकारियों पर दया कर। करुणा के लिए प्रार्थना। हे प्रभु ईश्वर हमारी रक्षा कर, अपने पुत्र पुत्रियों पर करुणा कर, हमारे माता पिता भाई बहन अधिकारियों नेताओं और हमारे द्वारा जो भी पाप अधर्म और अपराध हुए हैं उन्हें क्षमा कर दे, हमें दंड ना दे, हमारे कर्ज माफ कर दे। हे करुणा सागर प्रभु अपने पावन लहू से हमारे परिवारों और हमारी सब वस्तुओं का अभिषेक कर, हमें अपना बनाकर अपने पवित्र आत्मा द्वारा संचालित कर। आमीन। पवित्र हृदय के प्रति समर्पण विनती। हे प्रभु यीशु तूने कहा है थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों तुम सभी मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम तेरे निमंत्रण को स्वीकारते हुए अपने आप को प्रियजनों को माता पिता दादा दादी नाना नानी और सभी पुरखों को तेरे पवित्र हृदय में समर्पित करते हैं। सभी भाई बहनों को विशेषकर सभी दीन दुखियों निराश और हताश लोगों को शराब एवं नशे की गुलामी में पड़े सभी भाई बहनों को तेरे पवित्र हृदय में अर्पण करते हैं। हे प्यारे प्रभु यीशु तेरा पवित्र हृदय करुणा और प्रेम का सागर है। अपने पवित्र हृदय के अगाध प्रेम में हम सबको हमारे प्रियजनों को डुबाने की कृपा कर। हम अपने हृदय के सभी पाप घमंड घृणा क्रोध गुस्सा जलन वासना कठोरता व अन्य बुराइयों को तेरे पवित्र हृदय में अर्पित करते हैं। हमारे हृदय मन आत्मा चेतन और अचेतन मन की सभी चोटों को भी तेरे पवित्र हृदय में चढ़ा देते हैं। हे प्रभु यीशु अपने पवित्र हृदय के असीम प्रेम से हमारे हृदय मन आत्मा चेतन और अचेतन मन को भर दे और सभी अंदरूनी चोटों से हमें मुक्ति दिलाने की कृपा कर। हम अपने शरीर के अंग अंग को जो कष्ट पीड़ा व रोगों से ग्रसित हैं तेरे पवित्र हृदय में अर्पित करते हैं। हम अपने हृदय के हर डर भय घबराहट और अशांति को भी तुझे सौंपते हैं। तेरे पवित्र हृदय के अगाध प्रेम के मधुर स्पर्श से हमारे शरीर मन आत्मा के हर कष्ट और पीड़ा को चंगा करने की कृपा कर। आमीन। पवित्र हृदय की स्तुति विनती। हे प्रभु हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। हे क्रिस्त हम पर दया कर। हे क्रिस्त हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। हे क्रिस्त हमारी विनती सुन। हे क्रिस्त हमारी विनती पूरी कर। हे पिता ईश्वर हम पर दया कर। पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्ति दाता हम पर दया कर। पवित्र आत्मा ईश्वर हम पर दया कर। पवित्र त्रित्व एक ही ईश्वर हम पर दया कर। यीशु के हृदय सनातन पिता के पुत्र के हृदय हम यीशु के हृदय जो कुमारी मरियम के गर्भ में पवित्र आत्मा से बनाया गया हम पर दया कर। यीशु के हृदय जो सत्यवता ईश्वर का शब्द है हम पर दया कर। यीशु के हृदय असीम प्रताप से युक्त हम पर दया कर। यीशु के हृदय ईश्वर का पवित्र मंदिर हम पर दया कर। यीशु के हृदय सर्वोच्च का तंबू हम पर दया कर। यीशु के हृदय परमेश्वर का भवन और स्वर्ग के द्वार हम पर दया कर। यीशु के हृदय प्रेम से जलती हुई अग्नि हम पर दया कर। यीशु के हृदय न्याय और प्रेम का भंडार हम पर दया कर। यीशु के हृदय भलाई और प्रेम से भरपूर हम पर दया कर। यीशु के हृदय सब गुणों के यथा समुद्र हम पर दया कर। यीशु के हृदय सब प्रकार की स्तुति के योग्य हम पर दया कर। यीशु के हृदय सब हृदयों के राजा और केंद्र हम पर दया कर। यीशु के हृदय समस्त प्रज्ञा और ज्ञान के भंडार हम पर दया कर। यीशु के हृदय ईश्वर की पूर्णता
पिता हम पर दया कर। यीशु के हृदय जिससे पिता अत्यंत प्रसन्न है हम पर दया कर। यीशु के हृदय जिसकी पूर्णता में हम सभी ने पाया हम पर दया कर। यीशु के हृदय धीरज और दया से परिपूर्ण हम पर दया कर। यीशु के हृदय प्रार्थना करने वालों का आसरा हम पर दया कर। यीशु के हृदय जीवन और पवित्रता का झरना हम पर दया कर। यीशु के हृदय अपमानों से दुखित हम पर दया कर। यीशु के हृदय जो हमारे पापों के कारण कुचला गया हम पर दया कर। यीशु के हृदय मरण तक आज्ञाकारी हम पर दया कर। यीशु के हृदय जो बर्छी से छेदा गया हम पर दया कर। यीशु के हृदय हर दिलासा का झरना हम पर दया कर। यीशु के हृदय हमारा जीवन और पुनरुत्थान हम पर दया कर। यीशु के हृदय हमारी शांति और मिलाप हम पर दया कर। यीशु के हृदय हमारे पापों की बलि हम पर दया कर। यीशु के हृदय तुझ पर आसरा रखने वालों की मुक्ति हम पर दया कर। यीशु के हृदय तुझ में मरने वालों का आसरा हम पर दया कर। यीशु के हृदय सब संतों का आनंद हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है हे प्रभु क्षमा कर। हे परमेश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है हे प्रभु हमारी विनती सुन। हे परमेश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है हम पर दया कर। हे प्रभु के हृदय कोमल और दीन हमारे हृदय को अपने हृदय के समान बना दे। हे प्रभु के हृदय कोमल और दीन हमारे हृदय को अपने हृदय के समान बना दे। हे प्रभु के हृदय कोमल और दीन हमारे हृदय को अपने हृदय के समान बना दे। सभी घुटना टेकें, हाथों को जोड़ें, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। प्रभु हमें आशीष प्रदान करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर अपने परम प्रिय पुत्र के हृदय पर दया दृष्टि डाल और जो स्तुति तथा प्रायश्चित पापियों के नाम पर तुझे चढ़ाया है उस पर भी ध्यान देने की कृपा कर। इससे प्रसन्न होकर तेरी दया की भीख मांगने वालों को क्षमा कर। तेरे बच्चे जो इस वक्त तेरी वेदी के सामने उपस्थित होकर दया की याचना कर रहे हैं इन पर दया कर और इनके परिवारों को सुरक्षित रखने की कृपा कर। प्रायश्चित करते हुए आंसू बहाते हुए इन्होंने दया की याचना की है, इनकी प्रार्थना को सुन और सब पर दया करने की कृपा कर। हे प्रभु हमारे हाथ पैरों में बल प्रदान कर, हमारे जीवन में तेरे प्रति उत्साह कायम रहे। शांति सुसमाचार उत्साह के जूते पहनकर हम तेरी सेवा में अग्रसर होते जाएं। हमारी प्रार्थना सुन ले उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा। जिसने पृथ्वी बनाई
सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सबको जय यीशु की, प्रभु आपको आशीष दें।